अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अरे वाह क्या बात है तेरी, कितनी गोलियां लगाओगी मुझे? रोना ये जीरा प्लस आया। एक तो प्यार की गोली। एक दफा कुबरा की तरह हंस के दिखा दो। मैं ऑडियंस में जाके गिफ्ट दे रहा था तो एक खातून ने मेरी शलवार पकड़ ली और मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ दो लम्हे के लिए ये आया कि अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा। 17 साल की उम्र में जी, आपने कहा जी कि मैं तो हीरो ही बनना। लंदन से आया एक बच्चा सोच रहा है पता नहीं इतना की होना वो हो कुछ और रहा है, कर रहा है ओ एज को जा ओ पिछो। औरत को प्यार चाहिए, मान चाहिए, फॉरनर ट्रिप्स चाहिए, फॉरनर ट्रिप्स, बड़ी गाड़ी चाहिए और एंड पे ढेर सारा पैसा चाहिए। खवातीनों हजरात भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुकालमा करेंगे मगर सबसे पहले हिना न्याजी के पास चलते हैं ग्रीन रूम में, हमारे मेहमान के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ हैं मोहतरमा। थैंक यू सो मच रमीज, इस वक्त मैं एहसन खान के साथ मौजूद हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अस्सलामु अलैकुम, आई एम परफेक्टली फाइन थैंक यू। और रमीज भाई हमें सुन भी रहे हैं और उनसे मुलाकात तो भी होगी और हम सब उनको बड़ा चाहते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। यू आर अ वंडरफुल होस्ट एज वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। एसन सब जानना चाहते हैं, चलिए खवातीन से तो मैं ये सवाल करती हूँ तो इधर दाएं बाएं कर देती हैं, आप इतने फिट कैसे हैं? हम जब से आपको देख रहे हैं इतने फिट। अच्छा, जब से इतना जोर था कि जैसे मुझे ये आसार कदीमा से मैं क्या मतलब आपको इजिप्शियन ममी से आप जब से आपको मुझे एक्सप्लेन करें जब नहीं वो जब ऐसा क्या 200 साल पहले का बैठा हूँ मैं यहाँ पे 200 साल से अल्लाह खैर रखे। फिटनेस का राज क्या है? मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। अच्छा। मेरे खाने पीने के टाइमिंग्स, नींद के टाइमिंग्स में मैं थोड़ा कैजुअल हूँ, आई एंजॉय लाइफ एज वेल, अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखता। लेकिन ये चिजल्ड जॉलाइन, ये हॉलो चीक्स ऐसे नहीं बनती, ये बताएं क्या राज है? मैं इस तरफ आना चाह रही थी, मतलब हमारी भी नहीं है ना, तो नहीं नहीं ये इसका राज सिर्फ ये है कि एक तो जीन्स, जब मैं जीन्स कहता हूँ वो ये वाली जीन्स नहीं जो माँ बाप जो आपकी बॉडी जो आपको ट्रांसफर करते हैं ना आपके पेरेंट्स और फैमिली, उसको जरूर देखिए, वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा ऐसे मुझे ये बताएं कि इतनी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए तो बस जिंदगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा I don't think much. I go with the flow. Okay. और जो आपके पास आ रहा होता है उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सब कुछ मिल रहा है and we're grateful to God, to Allah कि जो वो कर रहा है। और ये ख्वाहिश जो आपने बात की इसमें अगर हम ये शामिल कर लें कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मदरसा बनाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मस्जिद बनाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक फ्री स्कूल बनाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक फ्री डिस्पेंसरी बनाऊं, तो ये मेरी ख्वाहिशात हैं जो जिन पे मैं वर्क, आई मैनिफेस्ट एंड आई वर्क ऑन देम। बाकी प्लेजरेबल जो हमारी पर्सनल ख्वाहिशात है वो अल्लाह पूरी कर भी रहा है और दैट्स नेवर एंडिंग, वो तो चलता ही रहेगा। ऑलराइट आपसे मजीद बातें होंगी लेकिन ऊपर सेट पे, सो ओवर टू यू रमीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात मुझे आज करनी है क्रिकेट के ऊपर। देखें क्रिकेट जो है ना ये हमारे डीएनए में बसती है, ये खैबर से लेके और कराची तक हमें इकट्ठा करती है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक रिच लेगेसी है, एक रिच हिस्ट्री है, हम वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं और इसकी वजह से फिर उम्मीदें बनती हैं। कोई टीम ऐसे नहीं जाती है, डिप आता ही आता है। कई दफ़ा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट में डिप आता है बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है ना एट द क्रिकेट बोर्ड, वो टर्बुलेंस प्लेयर्स भी फील करते हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपने 2-3 कप्तान अनाउंस कर दिए हैं जिससे कि बेएतमादगी पैदा हो जाती है सिस्टम में और ये सिस्टम फिर कोलैप्स कर जाता है। ऑडियंस से भी मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से और हमारे फैंस से कि इस टीम पे हाथ हल्का रखें, क्योंकि हम पहुंचेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि हमने डिप देख ली है। डिप के बाद खड़ा जो होती है टीम वही ग्रेट टीम होती है, वही कैरेक्टर वाली टीम होती है, मगर ऐसी टीम को फैंस की भी सख्त ज़रूरत होती है। सो आप इनको विलिफाई ना करें सोशल मीडिया के ऊपर, आप इनका साथ खड़े हों और ज़रूर गलतियों की निशानदेही करें और प्लेयर्स को भी चाहिए है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। सो गुस्से से खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें
और पॉइंट प्रूव करें कि आप दुनिया में बेहतरीन टीम है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं। गर्मा गर्म खबर यह है कि हिना न्याजी ग्रीन रूम से फारिग होकर यहां पर मौजूद है हमारे साथ, और उनके साथ हैं हमारे सुपरस्टार एहसन खान। और रमेश भाई के बारे में बैठने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पीपल और बड़े हमारे सेलिब्रिटीज हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट। क्या बात है, एंड वी ऑल फॉलो। ये शो यहीं बंद कर दो, इससे ज्यादा मेरी तारीफ होने वाली नहीं है। आई मीन इट, आई मीन इट। अच्छा जी एहसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, हमारे जो लाइटें हैं ना ये और ज्यादा ब्राइट हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को देख के हमेशा वी आर ऑलवेज हैप्पी, गुड टू सी यू। थैंक यू। अच्छा अभी ऑडियंस से हम बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, इसलिए कि क्रिकेट जो है ना एक जबरदस्त बॉन्ड है, ये इकट्ठा जोड़ती है सबको यूनिटी में, एक चीज जो है एटलीस्ट जो यूनाइट कर देता है वो यही है। सो मगर आजकल के हालात जो है ना थोड़े से नाजुक चल रहे हैं क्रिकेट को लेकर। एनीवे आप क्रिकेट देखते हैं, आपका क्या टेक है रिगार्डिंग द गेम? नो नो ऑफ कोर्स एवरी पाकिस्तानी वॉचेस एंड प्लेज क्रिकेट, ये तो एक तयशुदा बात है। बस ये है कि इस बार थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट देन अगेन वो कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। ऐसा ना आप ये बताएं कि अगर हम कोई फेवरेट प्लेयर की बात करें आजकल के लॉट में से तो कौन? बाबर आजम इज अ वंडरफुल प्लेयर, सबसे मुलाकात भी रहती है जी। They wonderful players, they wonderful people as well, but Babar थोड़ा excel भी करते हैं और he's amazing. आप England में पैदा हुए, जी हाँ जी, उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए 17 साल की उम्र में, जी आपने कहा जी कि मैं तो हीरो ही बनना है। I was 17 or 18 when I did my first play from PTV and first film as well at the same time. वो शहजाद रफीक साहब की निकाह और फिर उसके साथ ही घर कब आओगे एक फिल्म थी इकबाल कश्मीरी साहब की, फिर संगीता साहिबा की, उसके बाद सैयद नूर साहब की, और आई स्टिल रिमेंबर नूर साहब ने तो पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि यार ये बहुत गोरा है। नहीं ये नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि अभी 2 साल बाद आना मेरे पास। मैंने कहा नूर साहब क्यों? कहने लगे अभी मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं एक बच्चे का कैरेक्टर दूँ या हीरो का दूँ, यू इन दैट मिडल एज दैट यू ग्रोइंग अप। मैं बड़ा उस वक्त डिसअपॉइंट हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, तो बड़े 17-18-19 साल के लड़के तो ग्रोन अप होते हैं ना ज़हनी तौर पर, वो बड़े होते हैं। बट देन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। ऑल राइट। और ऐसा हमने ये भी सुना है कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और आप वहाँ से भाग गए थे, वो क्या किस्सा है वो हमें सुना यार, या वो किसने बताया हमें बस अंदर के, हमारे पास जो है ना, अच्छा हमारा रिसर्चर बड़ा डेंजरस है, डेंजरस इंसान 007 भी कह सकते हैं। मसूद भट्ट साहब की फिल्म का आप ये वाकया है कि तब सऊद और बाबर अली एंड रैम्बो ये सब सुपरस्टार्स उस जमाने के थे, इनको देख के बड़ा वो होता था कि यार दे बिग स्टार्स एंड रीमा एंड ऑफ कोर्स रेशम साहिबा एंड ऑल ऑफ दीज, ये सब उस फिल्म में थे। आई वॉज प्लेइंग ए पुलिस कॉप कैरेक्टर एंड आई मुझे ये था कि सऊद को मारना है। okay. अब एक इतना एक बड़ा सा हीरो जो एक्सपर्ट है एक्टिंग में और अपनी मूव्स में और मैं बिल्कुल नया खड़ा हूँ मुझे और भट्ट साहब जो थे ना ही वॉज सो लाउड कि मैं सोचता था ये डायरेक्टर्स ऐसे बात क्यों करते हैं यार, ओए कर ले, ओए झुको जा, ओए पीछे। तो वो एक दिन तो मैंने वहां पे गुजारा और हाँ मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक नामुमकिन काम है, मैं गायब हो गया सेट से। वो ढूंढते रहे कि ओ नवामुल्ला किथे चला गया है, ओ एहसन किथे चला गया, वो उन्होंने पूरे स्टूडियो में शोर मचा दिया, एहसन नस गया है। मेरे घर लोग आ गए, मैंने घर के दरवाजे लॉक करके घर से भाग गया। पीछे आ गए प्रोड्यूसर्स, दे वर आफ्टर माय लाइफ के यार वो हमारी फिल्म में आप शूट हुए हैं, 6-7 दिन काम हुआ है। आई जस्ट वैनिश्ड, वो तब मतलब फोन्स वन ऑफ और मैंने कहा जिंदगी में इन लोगों के सामने अभी नहीं जाऊंगा, इतने खौफनाक। 2 महीने बाद स्टूडियो एंटर हो, फिल्म कट वट के पता नहीं रिलीज भी हो चुकी। तो ये वाकया जो मैं भागा था और आई थिंक मैं तकरीबन 2 फिल्मों से इसी वजह से भागा हूँ। लंदन से आया हुआ एक बच्चा सोच रहा है पता नहीं इतने की होना लगा, वो हो कुछ और रहा है। सो उसके बाद खुद भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, चीखे मारना भी आ गई और बड़के मारने भी आ गई। अच्छा ऐसे मुझे ये बताएं जब कोई ड्रामा आप साइन करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नोट, पैसे, पैसे नोट। मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। मैं मुस्कुराहट लाना चाह रहा था लोगों के और सबके चेहरे पे। अब चले सही, लेकिन हम इसके अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। अच्छा ऐसे ना आपने बहुत सारे लाइव शोज किए और लाइव शो करना बहुत मुश्किल है,
कभी कोई लाइफ शो में ऐसी मजेदार चीज हो गई हो कि आप अक्सर सोचते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कुछ एम्बैरेसिंग चले हो गया हो? लाइव शो हम लोग करते हैं 5-5 घंटे के रमजान में भी, उसके अलावा भी, और इट्स बीन 11 इयर्स आई एम डूइंग रमजान शोज। एनीहाउ उसमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जब वो आया सिलसिला, तो मैं ऑडियंस में जाके गिफ्ट दे रहा था, तो एक खातून ने मेरी शलवार पकड़ ली और ये लाइव था, तो उसने इतनी जोर जोर से उन्होंने खींची कि मुझे, क्योंकि माइक लगे होते हैं हमें दो, अगर आपको अंदाजा है, मेरे हाथ में जो गिफ्ट था वो लेना चाह रही थी, पकड़ी उन्होंने मेरी शलवार हुई थी। अब लाइव शो जा रहा है और आप कह भी नहीं सकते। और मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ दो लम्हे के लिए ये आया कि अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूंगा। एंड देन मैंने क्या किया, मेरे पास 3-4 एक पलंदा था गिफ्ट्स का, तो मैंने वो सारे दे दिए उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनके ऊपर सारे फेंक दिए। मैं कहीं किसी तरह मेरी शलवार छोड़ दे यार। And that's how I saved myself. मैं कहे थे कहते रहे पंजाबी में सारे शलवार लत गई। सही बात है। मैंने कहा मैं तो सारी जिंदगी का एक वायरल कॉन्सेप्ट देंगे। I just ran off. Moral of the story है कि ऐसे शो में इज्जत बचानी इज्जत बचाना मुश्किल चीज है। और मैंने फिर अपने मैंने उसके बाद मैं भागा, वो ब्रेक उन्होंने लिया, उन्होंने वो सारे हंस रहे एहसन भाई आज तो। मैंने कहा यार तुम हंसने की बजाय मुझे बचाओ उस खातून को, आप बोले नेक्स्ट ऑडियंस में। तो आई रियलाइज कि गोइंग इन द ऑडियंस एंड गिविंग गिफ्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक का होता है हमें दे दे। एंड देन उसके बाद मैं डबल तैयारी करके जाता था। तो ये एक इतना एक्सट्रीम किस्सा है, ये मैंने आज तक किसी को सुनाया नहीं, मुझे जहाँ तक याद है। जुम्बिश नखुम होशियार जिल्ले इलाही आलम फना शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एहसन खान कैसे हैं आप जी? बादशाह साहब ये ऐसा नहीं, ये शेखू है, शेखू। अच्छा, सल्तनत वहाँ तबाह हो रही है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कॉफी पी रहे हैं। और अनारकली हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता है मान सिंह इसने क्या किया है? मान सिंह, हम चाहते हैं आप हमें मान सिंह लगे, लेकिन आप नहीं लग रहे। लेकिन मैं अनारकली नहीं हूँ। तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरा बदल दिया। एक सवाल मैं बादशाह साहब से करना चाहता हूँ। जरूर। आपकी चाल को क्या हुआ था जब आप अंदर आ रहे थे? आप चाल कैसे रहे? असल में हमारी ही रियासत में चौबदार हमें रोक रहे थे। सिपा सालार कहाँ था? कहते हैं कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपके गले में कार्ड नहीं है। आप यहाँ कैसे आ गए? हमने आपको यही पूछने लगा था, ये आए क्यों हैं? Exactly, क्या वजह? डिस्ट्रैक्ट करने आ गए। बूटियां पहनी हुई है, ऐसे लगता है आप सांप पकड़ते हैं। यार मैं नहीं खेल रहा यार। यानी कि हद हो गई, जलालुद्दीन अकबर को उसके मुंह पर कोई बातें सुना रहा है। बहरहाल हम बात की तरफ आएंगे। शेखो क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि माशाल्लाह उधर के उधर ही हैं? आज भी 22 साल लग रहे हैं आप। वैसे हमने एहसन कोशिश की थी, हमने 6 क्रीमें मिक्स करके निगल ली, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसके लिए क्रीमें नहीं निकलनी पड़ती, इसके लिए करतूतें अच्छी होनी चाहिए। और मुंह तो ही कहता है। हमारे जैसे लोग हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बेटा तू तो गरीब नहीं। एक तो मैं इसकी बनावट से बड़ा तंग हूँ। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो पीला तोड़ नहीं कर सकते। तू ये बताइए फूल किसके लिए आप लाए हैं यहाँ पर? तो आपके मतलब का कोई ये फूल हम एहसन के लिए लाए हैं। ओ, और हम एहसन को ये फूल एहसन तरीके से देंगे। प्लीज दे दीजिए फूल। जाओ और एहसन के पास जाओ। नहीं बल्कि फूल क्या, हम खुद आपके हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं भाई मेहरबानी। आपकी बड़ी मेहरबानी। और इतने उनके बुरे हालात नहीं आए अभी। सही बात है एहसन, हमारा दिल चाह रहा है हम तुम्हें कुस्तुनतुनिया का वजीर आजम बना दें। और उसके बाद आप मर जाएं। अच्छा फरमाइश है मुझे माइकल जैक्सन की एक टच। भाई एक तो रमीज आजकल माइकल जैक्सन से नहीं हट। म्यूजिक
हमारी कमर में चुप पड़ गई है। अब आप जाके आराम करें तो बेहतर है। शाही हकीम, लगता है हमारी रीढ़ की हड्डी का तीसरा धक्का टूट गया। एसन, आप ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, आपका एक और भी भाई है। जी हाँ जी हाँ। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई शरारत की और सजा आपको मिल गई हो? बहुत हुआ, बहुत बार बता चुका। मेरे दो भाई हैं और एक मुझसे बड़े हैं और एक आइडेंटिकल ट्विन है। समहाउ उसकी थोड़ी सी आदतें भी बड़ों वाली हैं। आई एम कंसिडर्ड द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो वो मुझे लगता है जो सबसे छोटे होते हैं ना फैमिली में, उनकी सारी जिंदगी बच्चों वाली आदतें रहती है। मैं बड़ा तंग होता हूँ इस चीज़ से एट टाइम्स कि मैच्योरिटी हिट कब करती है, बट द यंगेस्ट सिबलिंग और यंगेस्ट चाइल्ड रिमेन्स यंग। बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि उसकी की हुई शरारत मुझे भुगतनी पड़ी। हाँ, स्कूल में जब हम लोग लंदन में एक साथ थे तब भी, और कुछ शरारत उसने की और वो लड़के मुझसे लड़ने आ गए, मुझे मारने आ गए। किसी लड़की को उसने कुछ कहा, वो मेरे से कुछ कहने आ गए। हमसायों की या किसी की कोई ऐसी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी नॉटी। ट्विन्स का एक जो बॉन्ड है वो किस तरह का होता है? अच्छा, वो नॉर्मल भाइयों की तरह होता है, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकयात और हालात कभी कभार बड़ी स्पूकी सी अजीब सी बात है कि वो एक जैसे हो रहे होते हैं। एट टाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी, हमने कभी हम बैठते तो हंसते हैं कि यार ये कब हुआ था तेरे साथ, कुछ ऐसा हुआ। फॉर इंस्टेंस एन एक्सीडेंट हैपेंड, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे ये पता चला कि उसका भी हुआ था रियली उसी टाइप का। और इस तरह की छोटी छोटी दो चार चीज़ें हम बैठते हैं तो कुछ पर्सनल भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उस पर भी हम बड़ा हंसते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस भी एक तरह के हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस, योर मेंटालिटी, द वे यू थिंक एट टाइम्स, टेलीपैथी है। हाँ बिल्कुल है, पता चल जाए। वेरी सिंपल। अभी मैं जब लास्ट टाइम लंदन गया तो वो और मैं, हम इकट्ठे हुए, हमारे बच्चे, किड्स आर ग्रोइंग अप, तो वो बच्चों को मिलाना भी, हम बिकॉज कजन्स हैं और पाकिस्तान में होता हूँ मैं और वहाँ पे, तो हम कहते हैं जब भी जाएँ तो मिल लें। तो दो तीन मरतबा ऐसा हुआ कि वी इंस्टेंटली वी बोथ सेट द सेम लाइन। अच्छा, अब वो बच्चे वैसे ही हम पे हंस रहे होते कि You're laughing in the same way, you're talking in the same way. You're just like Baba, uske bachche keh rahe, wo mere bachche keh rahe, oh my God, it's so weird that we're seeing another. Achha ji, SN, ek hai, deliver a dialogue in different moods. Achha ji, dialogue hai, akkad bakkad, bambe po, 80-90 pure 100. Tau se nikla dhaga, chor nikal ke bhaga. Aapko main bata du, versions hai, happy, angry, sad, nervous, funny, irritative. Happy karte pehle music. Bajao ji. Akkad bakkad, bambe po, 80-90 पूरे 100, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। क्या बात है, हैप्पी हो गया। अकड़ बकड़ ऐसा कभी भी नहीं मैंने सुना। एग्जैक्टली। अब सैड, अकड़ बकड़ बम्बे, 80-90 पूरे 100। Irritated, nervous. हाँ. अकड़ बकड़ बम्बे में हो, 80-90 पूरे 100 यार, चलो। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम एसन को दिखाएंगे कुछ पिक्चर्स। ओके। और उन तस्वीर को देख के आपने 60 सेकंड्स में एक कहानी बतानी है या बनानी है। पिक्चर्स दिखाइए। इजी है। लो जी, दो हैं गैल्स, एक बैंडेज है, लेटर, पेन और स्लैप। ठीक है जी, एक लड़के ने पेन पकड़ा, उसने लेटर लिखा प्यार भरा, उसने जाके एक लड़की को दिया कि ये फलां लड़की सामने खड़ी है उस तक पहुंचा दो। उस फलां लड़की जो किसी और को देख रही थी जी, उसको एक बेवकूफ लड़के ने लेटर भेज दिया। हाँ। वो वापस पलटी, बहुत थप्पड़ मारे उसको। इतने मारे कि बेचारे को पट्टियां करानी पड़ गई। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। मुश्किल बात है अगर ऐसा हो जाए तो। आपने भेजा हुआ है लेटर? हाँ, भेजे हुए लेटर, भेजे हुए। तो फिर इस इन तस्वीर में से मुझे बता दे कौन सी चीज। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन थप्पड़ जो पड़े थे वो माँ बाप से पड़े थे। क्योंकि अम्मी अब्बा तो वो तो कहते हैं ये स्कूल पढ़ाई करने जाते हो, ये करने जाते हो। एंड व्हेन दे रिसीव द कॉल फ्रॉम द स्कूल दैट योर सन इज डूइंग दिस, सेंडिंग लेटर्स टू दीज गर्ल्स, तो उस पर तो मार पड़नी पड़नी थी। लेकिन आइंदा लेटर नहीं लिखा मैंने,
फिर डायरेक्ट अप्रोच की। सही बात है। तो ऐसे सबूत के बगैर तो वो रिस्पॉन्स कैसा आया? अच्छा रिस्पॉन्स आया उस? अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुरा रिस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन वो गड़बड़ हो गई थी जिस पे मैं पकड़ा गया ना। मतलब लेटर जिसको भेजा था उसकी जगह किसी और ने पढ़ लिया, और उस लड़की को ये लगा कि इसको तो मुझे भेजना चाहिए था, इसने इसको क्यों भेजा। ओह, वो इस चक्कर में शिकायत लगी कि स्पॉइल फॉर चॉइस थे। आपने सुना ना कि वो बात नहीं सुनी, मैं तो शिकायत ही लावांगा। तो उस लड़की ने कहा ये लेटर मुझे तो आ नहीं रहा, मैं तो शिकायत ही लावांगी। अच्छा ऐसा पढ़ाई में कैसे थे आप? आई ऑलवेज एक्सेल, बट एक जो आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं करता था। आई वॉज वेरी प्लेफुल, केयरलेस, और हर वक्त उछल कूद, और उसमें आई वॉजंट लाइक नर्डी टाइप, वो आदत नहीं थी कि हर वक्त पढ़ाई में घुसे रहें। एग्जाम से पहले प्रेशर लेके पढ़ने की आदत थी हमेशा। अच्छा जी, ऑडियंस आपके पास सवाल होंगे, कुछ भी टैलेंट है, गाने का, एक्टिंग का, सवाल जिसने भी करना हाथ खड़ा करे, अपना नाम बताएं और फिर फायर हुए। आपका यहाँ पे एक टैटू है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसका मतलब क्या और आपने कब बनवाया था? सवाल में जवाब है कि एक टैटू है जो बहुत अट्रैक्टिव है, तो बस इसीलिए बनवाया था कि इसका अट्रैक्ट। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब होगा लाजमी। अच्छा इसका मतलब है, बट वो बड़ा एक पर्सनल स्पिरिचुअल सा एक मतलब है किसी चीज़ का, तो वो लिखवाया मैंने, एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट आई जस्ट डोंट टेल एनीबडी, ठीक है? तो वो गेस करते रहते हैं। बट आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कोई जी? मेरा क्वेश्चन एहसन सर से है। जी जी। सर हमने आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर देखा है, ज्यादातर स्वीट कैरेक्टर्स में ही देखा है, तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपके लिए कौन सा ऐसा आपका कैरेक्टर था जो लाइफ चेंजिंग था, आपके लिए इंस्पायरिंग था बहुत ज्यादा, जिससे आप इंस्पायर हुए हैं? आई थिंक उडारी जो है वो एक उसमें पा इम्तियाज का एक कैरेक्टर ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ जुड़ गया नाम, और वो जब भी कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा जब हम अवेयरनेस की बात करेंगे या चाइल्ड अब्यूज की बात करेंगे, तो वो ड्रामा और मेरा किरदार ज़रूर आएगा इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया। अच्छा उडारी का ऐसा कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत वायरल होते थे अक्सर, बहुत ज़्यादा उसमें हमेशा वो एक जुमला मेरा, अस्सलामुअलैकुम मैडम तायरा क्या हाल है शहजादी, ये जुमले जब तो वो बहुत लोगों में क्लिक किए थे। अब मैं आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा कल के शो में, अस्सलामुअलैकुम मैडम अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा आयान हाशमी है। सर मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है फिल्मी, उसके अंदर पहले ये दिखाया जाता था कि जो ख़वातीन हैं उनका आना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी दुश्वार है, और मर्दों का काफ़ी आसान है, लेकिन अब ख़वातीन का आसान हो गया है और मर्दों के लिए मतलब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मैं एक ड्रामेटिक क्लब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें मैं गया, मेरे पास टैलेंट था तकरीबन 50%, पर जो कम टैलेंट वाले बॉयज़ भी थे उनके पास सिफारिश थी, वो आगे आगे, मैं पीछे रह गया। तो इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालें कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और अगर किसी ने उभरना है तो वो क्या करें? आप एक्टिंग करते हैं? जी। आए, तो आप इधर आ जाइए, एक सिचुएशन देना ज़रा, इधर आए, आपके अभी देखते हैं 50 नंबर हैं या उससे भी कम हैं। अच्छा एक तो इनके सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर सिफारिश से कोई आता है, ये जो आर्ट है ना, जो आर्ट का एक इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें कभी भी जब तक आप में स्किल नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। वक्ती तौर पे वो आगे चला जाएगा, बट वो कहते हैं ना पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, आप पानी को गिरा दें वो खुद कहीं ना कहीं निकल जाएगा जहाँ पे उसको जाना होगा। आर्टिस्ट भी इसी तरह अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है। वेल डन, वेल डन। अब रमीज भाई सिचुएशन आपको ये देंगे कि एक लड़की से आपने डायलॉग बोलने मोहब्बत भरे, लेकिन उसके एक्स फियांसे ने आपको गोली मार दी है, वो गोली कहीं भी लग सकती, टांग पे, दिल पे, कहीं पे, शी स्टैंडिंग, इनको इन्वॉल्व करें, इनको देख के आप जो भी डायलॉग आपने बात करनी। तुम आ गई, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही अब? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। उस वक्त प्यार के राग क्यों गाए थे तुमने फिर? प्यार के राग? अब मेरी जिंदगी चली गई, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा भाई है। ओए थोड़ी सी जिंदगी है वैसे अभी, ये लगी थी गोली तुम्हारी बहन, टांग पे मारो गोली आगे पूरी चली जाए। क्या बात है तेरी, मेरी बात सुन, कितनी गोलियां लगाओगी मुझे? रोना ये जीरा प्लस आया।
एक तो प्यार की गोली फिर बंदूक की इतनी गोलियां दी है बेचारे को और अब जहर की गोली सही बात है आप अब तो आ जाओ हाँ बस ठीक उठ जाओ बस ठीक है तालियां बजाएं जबरदस्त इसमें एक चीज अच्छी थी वो मैं बताता चाहूँ इनका हाथ थ्रू आउट कांप रहा था वो पता नहीं जेन्युइनली कांप रहा था जेस्चर अच्छा था यार वो जरूरी था वेरी नाइस थैंक यू वेल डन अच्छा हमारा एक सेगमेंट है एक और गेस द सॉन्ग ये म्यूजिक बजाएंगे हम आपकी हेल्प करेंगे अच्छा फिक्र ही ना करो क्राउड भी है यहाँ हमारे पास ऑडियंस भी करेंगे शुरू करें हाँ जी नेक्स्ट दिल नजराना कबूल कर लो किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दे दिल नजराना कबूल कर लो सारी धुन जितनी भी बजाई आपने बजाने से पहले गेस्ट कर ली मतलब इंप्रेसिव लो जी एक ब्रेक लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वापस जुड़ने का शो टाइम विद रमीज राजा कंटिन्यू करते हैं एहसन खान द ग्रेट हमारे साथ हैं लो जी एहसन रैपिड फायर राउंड अच्छा ठीक है जी आपके ख्याल में बेहतरीन विलन कौन बन सकता है आपको ऑप्शन में दूंगा अली अब्बास या अली रहमान अली रहमान अली रहमान या दानिश तैमूर दानिश ओके दानिश या अहद रजा मीर दानिश दानिश या इमरान अब्बास दानिश दानिश या यासिर हुसैन यासिर यासिर या इमरान अशरफ इमरान इमरान अशरफ या फवाद खान दोनों अच्छे एक्टर्स हैं विलन फवाद ओके फवाद खान या हमजा अली अब्बासी हमजा इज अ वेरी गुड राइट हमजा अली अब्बासी या शफकत चीमा शफकत चीमा सर राइट शफकत चीमा या एहसन खान शफकत चीमा अरे वाह वाह आपको क्या पसंद है ऐसे शफकत चीमा में क्या चीज आपको पसंद है शफकत चीमा इज अ वंडरफुल एक्टर यार उनकी बॉडी लैंग्वेज इज एज एन एक्टर एज अ कैरेक्टर उनका बॉडी लैंग्वेज हमेशा बड़ा जबरदस्त होता है ओह माय गॉड एहसन कैश रमीज मैं तुमसे नो सीक्रेट हूँ आज नो सीक्रेट आज मैं तुमसे नाराज हूँ नाराज नाराज नो क्योंकि तुमने आज एक ऐसे शख्स को बुलाया बड़ी दूर दूर से जिसने डायरेक्टर को पैसे दे के कहा कि मैं मीरा के साथ काम नहीं करूंगा मैं सना के साथ काम करूंगा नहीं 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 एक तो मैं सब लोगों को ये बोलूंगा मीरा के लिए तालियां बजाइए जोरदार मीरा जी के लिए सही बात ये वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पाकिस्तानी एक्टर जो है वो उनमें उसमें मीरा का नाम आता है जी। और मैंने तो मीरा के साथ फिल्म की हुई है मीरा भूल गई है शायद आप भूल गई हो कौन सी एक तो मुझे भूलने की भी बीमारी हो गई है उम्र हो गई कौन सी फिल्म थी उसका नाम था इश्क खुदा मैं उस वक्त फाइलर थी पता और अब नॉन फाइलर है अब भी फाइलर है अब क्योंकि मैंने एक चीज देखी है आजकल के दौर में इंसान के लिए मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा यही होता है जब उसको पता चलता है कि उसका महबूब नॉन फाइलर है क्यों मतलब यही ना वो टैक्स नहीं देगा तो उसके खर्चे कैसे उठाएगा सही बात है आपके खर्चे तो वैसे यही बात आपके खर्चे सही बात यही बात है जिसने मतलब मीरा को पागल कर दिया चुप करो तुम रमीज मतलब आप लोगों ने औरत को क्या समझा हुआ है कि औरत पैसे पे मरती है औरत को मर्द से सिर्फ पैसा चाहिए बकवास है ये बात आज मैं सबके सामने बताऊंगी औरत को प्यार चाहिए मोहब्बत चाहिए इज्जत चाहिए मान चाहिए फॉरनर ट्रिप्स चाहिए होटलिंग चाहिए
बड़ा घर चाहिए और ट्रिप, बड़ी गाड़ी चाहिए और एंड पे ढेर सारा पैसा चाहिए। जब भी हमारे शो में आती है इतना लड़ती क्यों है आप? यू कुड बी कर्टियस एंड नाइस एंड देखिए थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए। हम जानते हैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आप जब आती हैं आप तो डांट शुरू कर देती हैं। मुझे इस पे बहुत गुस्सा है, मैं तो इसकी जगह जगह पे करती हूँ। मुझे कहती है मीरा जी आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, अगर कोई फेक आईडी बना के आपसे मेरा नाम लेके पैसे मांगे तो मत देना। हाँ। मैंने कहा तुम खुद भी मांगोगी तो मैं नहीं दूंगी। मीरा जी से एक सवाल है कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई थी? आज मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, अगर एहसन उस वक्त मुझे अपना हाथ पकड़ाता तो मैं ज़रूर इसके रिश्ते में बंध जाती। किस वक्त? हमने जब फिल्म की थी। एहसन उन आर्टिस्ट में से है जिसने कोई काम नहीं छोड़ा, एक गाना रह गया था वो भी इसने गा दिया। देखे ना, मल्टी टैलेंटेड है। और आज मैं चाहूंगी कि मेरे साथ ये गाना गाए। वो जो गाना था तेरे नाल मैं नचा जावांगा बनके तेरा फैन, ये बताऊं एहसन ने गाना मेरे लिए गाया था। अच्छा, तो आज मैं चाहती हूँ कि सबके सामने मेरे साथ ये गाना गाए। अच्छा, मुझे तो वो गाना याद ही, मैं आज आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ स्टेप्स भी करोगे? हुए हुए। आ जाओ। तेरे नाल में नची जावांगा बनके तेरा फैन, जिंद गुजारांगा बनके तेरा फैन, अगलावा मजबूरी नू आन जान दी मसूरी नू जहर बने हाँ तेरी, जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोड़ के दस जावे क्यों दी चूरी नू, रामा चुबामा चुवानू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। बिल्कुल। और आपका नंबर डिलीट हो गया था मुझसे, वो दे के जाना है। जाइए जाइए। अब ऐसे हम आपको आपकी ही कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने बताना है कि कब ली, क्या मेमोरीज हैं इन पिक्चर्स के साथ। पहली पिक्चर देखते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यार ये तस्वीर मैंने नहीं खींची हुई। हाँ। और आई थिंक वन ऑफ माय बिगिनिंग ऑडिशंस जब होते हैं ना, बिल्कुल जब नए किसी ऑडिशन की किसी प्रोजेक्ट की तस्वीर होगी जो वो टेस्ट के लिए लेते हैं शायद ये वो तस्वीर। ओके, जबरदस्त। इट्स अ टेरिबल फोटो बाय द वे। नवाजुद्दीन, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे इंडिया के हिंदुस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं और आई थिंक एक्टिंग में इतने ज़बरदस्त हैं कि बहुत लोग इनको देखते हैं, इनसे एक्टिंग सीखते हैं। ओफो, ये बचपन की पिक्चर है और लंदन के घर के बाहर है प्रॉबेबली। याद है ये? याद है थोड़ा बहुत, बट ये पिक्चर कब ली गई वो मुझे उस तरह से याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्यूट पिक्चर। हाँ, बहुत ही प्यारा। ये जंपर कितना क्यूट है। ये मेरे बेटे हैं दोनों, इधर अकबर हैं उधर शाहजैन हैं और ये आई थिंक डेफिनेटली वी वर इंडोर्सिंग समथिंग या किसी प्रोग्राम के लिए हम लोग कुछ कर रहे थे। अच्छा। तो तब पिक्चर ली गई। और जी लास्ट पिक्चर उडारी। हाँ, ये उडारी की पिक्चर है, बड़ी फेमस आइकॉनिक पिक्चर। ये कैरेक्टर जो था वो आपके सामने, जिस तरह से उसको बनाया गया था किरदार को, और ये वो बच्ची है जिसके साथ एक्टिंग का एक मेन उसने रोल प्ले किया था। जबरदस्त तालियां। हमारे शो का वक्त अब खत्म हुआ। एहसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली आपने चार चांद लगाए हमारे शो को। इट्स अ प्लेजर, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। अब आप हमेशा, हम आपको देखते हैं सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं एंड यू आर आल्सो एज आई सेड अ वंडरफुल होस्ट। तो थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे सबसे अच्छी बात इस शो की ये लगी कि
इस शो को हिट करने के लिए या इस शो की कुछ चीज़ वायरल करने के लिए कोई मायूब बात नहीं की जाती किसी के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मीरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, और सोचिए कितना बड़ा नाम है कि उनकी या मिमिक्री होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, और ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में हम ऑडियंस के साथ एक सेल्फी मोमेंट होता है, सेल्फी मोमेंट एंड देन वी आर ऑफ। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। चलो जी, शो टाइम विद रमीज राजा में बस आज इतना ही था। एहसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, हिना मैडम आप छा गई हैं, ऑडियंस ऑर्केस्ट्रा सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।